Hello guys, welcome back to my channel. This is Harsh Mishra and you are watching King Cricket. तो भाई हम सब जानते हैं कि शुरू से ही T20 क्रिकेट पर वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स का एक अलग दबदबा रहा है। T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स की काफ़ी अहम भूमिका रही है। उनमें मेन प्लेयर्स के तौर पर क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, डबन ब्रावो जैसे कई नाम हमारे जहन में आते हैं। इन प्लेयर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग मतलब कि IPL पर भी अपना दबदबा कायम रखा है। हर सीजन ये प्लेयर्स अपनी अटैकिंग गेम से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैरेबियन स्टार आंद्रे रसेल की कंपैरिजन इस वक्त इंडियन टीम के बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ IPL आंकड़ों के आधार पर करेंगे। पिछले कुछ सीजन से दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी IPL टीमों के लिए की फैक्टर रहे हैं। तो चलिए हम दोनों खिलाड़ियों की IPL कंपैरिजन को करते हैं शुरू। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप IPL के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहले दोनों प्लेयर्स के IPL डेब्यू की। तो आंद्रे रसेल ने अपना डेब्यू मैच सन 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला, जहां उन्हें 4 मैच खेलने का मौका मिला। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने अपना डेब्यू मैच सन 2015 में खेला, जहां उन्हें 9 मैच खेलने का मौका मिला। लगातार IPL खेलते हुए दोनों प्लेयर IPL के बेस्ट ऑलराउंडर्स में शुमार हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने अभी तक कुल 66 IPL मैच खेले हैं, जहां इन्होंने 1068 रन, 29 की औसत और 154 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें आंद्रे रसेल की, तो रसेल ने अभी तक कुल 64 IPL मैच खेले हैं, जहाँ इन्होंने कुल 1400 रन, 33 की औसत और 186 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। रसेल ने अभी तक कुल 120 छक्के जड़ चुके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने अभी तक कुल 68 छक्के लगाए हैं। तो बैटिंग में आंद्रे रसेल के आंकड़े हार्दिक पांड्या से बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बॉलिंग की, तो अभी तक आंद्रे रसेल ने कुल 55 विकेट लिए हैं, जहां उनकी इकोनमी लगभग 8 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देकर 2 विकेट रहा है। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने अभी तक कुल 42 विकेट चटकाए हैं, जहाँ उनकी इकोनमी 9 की रही है और बेस्ट बॉलिंग फिगर 20 रन देकर 4 विकेट रहा है। तो बॉलिंग भी अभी तक आंद्रे रसेल की बेहतर रही है। बात करते हैं दोनों प्लेयर्स के हाईएस्ट रन स्कोर की, तो हार्दिक पांड्या का बेस्ट स्कोर 91 रन का रहा है, जो लास्ट सीजन उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था। भाई आंद्रे रसेल का हाईएस्ट रन स्कोर 88 रन का रहा है। अगर हम कंपेरिजन करें दोनों प्लेयर्स के बीच लास्ट सीजन का, तो दोनों प्लेयर्स का लास्ट सीजन काफ़ी धमाकेदार रहा था। आंद्रे रसेल ने लास्ट सीजन 14 मैचों में कुल 510 रन, 56 की औसत और 204 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। वहीं हार्दिक पांड्या ने कुल 16 मैचों में 402 रन, 44 की औसत और 191 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। तो अगर हम अभी तक के ओवरऑल IPL आंकड़ों पर नज़र डालें, तो आंद्रे रसेल हार्दिक पांड्या से बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी IPL टीमों के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो यही थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच की IPL कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने फेवरेट IPL ऑलराउंडर के बारे में जरूर लिखें, साथ ही इसे दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली क्रिकेट की ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।